श्री गुरुदेव की मधुर स्मृति कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष तिथि का पालन करेंगे। आज श्री गदाधर पंडित जी का विर्भाव तिथि है। ये हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, जिस तरह की राधाष्टमी है, क्योंकि गदाधर पंडित करोना लगाओ। राधा राधा रानी के ही राधा रानी ही आई है गौड़ लीला में। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि। हम एक जय ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जय श्री गुरु गौर, दंडवत महाराज जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री राधा रमण जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टो दश श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टो दश श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टो दश श्रीमद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टो दश श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टो दश श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टो दश श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। रूपानु गुरुवर की जय। वृंदावन नवदीप धाम की अनंत कोटि वैष्णवगण की जय। गौर भक्तगण की जय। भक्ति विधान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। गदाधर पंडित आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालन करे भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महाराज जी दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ ठीक है। महाराज जी सब ठीक है। कीर्तन आप करेंगे आज? कीर्तन सब 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 मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है गाओ। महाराज, ठीक है महाराज जी, कीर्तन से हम शुरू करेंगे, फिर आप कुछ कथा कीजिए। आ रहे हैं तुम दिखा दो। छाया करो नहीं उड़ गए तुम बिना के Thank you.
Thank you.
सुंदर कीर्तन प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर मैं आप सभी का इस कार्यक्रम पे स्वागत करता हूँ। आज हमारा बहुत शुभ दिन है, आज हम बहुत ही पवित्र तिथि का पालन करने जा रहे हैं। श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव तिथि है आज, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। जिस तरह से हम राधाष्टमी मनाते हैं, उसी तरह से गदाधर पंडित जी की आविर्भाव तिथि है। आज हम हमारे पूज्य महाराज जी से, श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से, गदाधर पंडित के जीवन के बारे में, उनकी विभिन्न लीलाओं के बारे में जो उन्होंने महाप्रभु और अन्य पार्षदों के साथ करी, और वे क्यों इस धराधाम पे आए। हम जानते हैं कि राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार है हमारे महाप्रभु, तो फिर राधा जी अलग से क्यों आई। ये अनेक सवालों के जवाब महाराज से सुनेंगे और अनेक लीलाओं का श्रवण करेंगे। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है और आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और आप हमें ये सब चीजें गदाधर पंडित जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण कराएंगे। गौर ब्रह्मानंदे हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ महाराज जी, आवाज अच्छी आ रही है। उनका आवाज नहीं सुनाई पड़ता ना। ओम मिराधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है, श्री गदाधर पंडित का आज आविर्भाव तिथि है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब इसी जगत में कोई भगवान इसी जगत में आते हैं, वो अकेले नहीं आते। कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतारी। कहते तो अपना धाम और अपना परिकर उनको लेकर के आते हैं, तभी ये लीला संभव है। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए, वो अकेले नहीं, अपना परिकरों को लेकर के इस जगत में अवतीर्ण हुए। फिर प्रश्न होता है, ये गदाधर पंडित कौन है? इसलिए कहते गौरव गणदेश दीपिका में बताए, बोले श्री राधा प्रेम रूपाजा पूरा वृंदावनेश्वरी शास्त्री गदाधर गौरव बल्लभ पंडिताख्या का। कहते जो कृष्ण लीला में साक्षात जो प्रेम रूपा, बोले कौन? बोले श्री वृंदावनेश्वरी, बोले ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा रानी को क्या कहते हैं? कहते ये साक्षात प्रेम रूपा है। इसलिए जिसको कहते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाभाव स्वरूपयम सर्वगुण बरियसी। कहते ये महाभाव का जो रूप है, ये प्रेम का रूप ही ये श्रीमती राधा रानी, जिसको हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले वैदग्ध सिंधु रनुराग एक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपा एक सिंधु लावण्य सिंधु रति सांद्र कृपा एक सिंधु श्री राधिक स्मृत में हृदिकेल सिंधु।
श्री प्रभुदानंद सरस्वती कहते हैं जैसे सात समुद्र है, जैसे इखु समुद्र, लवण समुद्र, मधु समुद्र, घी का समुद्र, ये खीर का समुद्र, जैसे सात समुद्र है, कभी ये श्रीमती राधा रानी के अंदर में भी ये सारे समुद्र विद्यमान। बोले कौन सा, अरे बात्सल्य सिंधु, कहते बात्सल्य का अगर कोई मूर्तिमान स्वरूप कौन, बोले श्रीमती राधा रानी। बात्सल्य सिंधु कृपा एक सिंधु, बोले कृपा की जो समुद्र ये श्रीमती राधा रानी। कहते प्रेम का सिंधु, कहते ये रतिसांद्र कृपा एक सिंधु, इसलिए कहते पूरा के पूरा सारे कृपा बात्सल्य प्रेम ये श्रीमती राधा रानी, सबका ये श्रीमती राधा रानी समुद्र है। इसलिए कहते ये कौन है, बोले प्रेम रूपा जा पूरा वृंदावनेश्वरी। कहते जो वृंदावनेश्वरी ये श्रीमती राधा रानी जो ये साक्षात प्रेम स्वरूपिणी है, कहते अभी वही प्रेम स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, वही कृष्ण चंद्र जब कलियुग में जिसको श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देकात्मना भूमि पुरा देहा भेदौगत तो चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयम चैकमाप्तम राधा भाव दुसिप सुलभ सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। जब कृष्ण चंद्र गोलोक वृंदावन अपना समस्त लीला करके चले गए, एक दिन निकुंज में बैठ करके अपना सर पर हाथ रख करके सोच रहे, कहते मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी सारी इच्छा को मैंने पूरी की, भगवान होते हुए भी सखा को मैंने झूठा न खाए, मेरे को घोड़ा बनाए, भगवान होते हुए भी मैया मेरे को खल में बांध दी, कान मोल दी, डांट डपती भगवान होते हुए भी मैंने गोपियों के चरण में मैंने हाहा खाते हुए प्रेम की भिक्षा मांगी, लेकिन एक चीज तो मेरे दिमाग से बाहर चला गया, बोले वो क्या, बोले राधा रानी का क्या प्रेम की महिमा, मेरे को जितना आनंद होता है राधा रानी को दर्शन करते हुए, राधा रानी मेरे को दर्शन करके कोटि गुण आनंद को प्राप्त करती है राधा रानी, मेरे स्वरूप में क्या आनंद है जिसको देख करके श्रीमती राधा रानी प्रेम में तरह तरह का भाव की दिव्य प्रकट होता है, और मेरे को दर्शन करते हुए राधा रानी किस तरह का प्रेम को ये आस्वादन करती है, इसको इसी लोभ से कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव अंग कांति दोनों को लेकर के कलयुग में अवतीर्ण हुए। कहते वो एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी वो एक ही है? इसलिए जिसको हमारे पुराण में बताया, बोले जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा है, इसलिए तत्व तो इन दोनों में कोई भेद नहीं, केवल वो लीला रस आस्वादन करने के लिए उन्होंने केवल ये दो रूप धारण किया है। जिसको जिसको चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बोले पंच तत्वात्मक कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। कहते वो अद्वै ज्ञान पर तो एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी कलियुग में वो पांच रूप में कलियुग में आते हैं। बोले पंच तत्वात्मक रूपम भक्त रूप स्वरूपकम, बोले भक्त रूप में कौन है, बोले स्वयं भगवान होते हुए भी कलियुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त रूप धारण करते हुए हैं। इन्हें दिन भर जैसे श्री कृष्ण चंद्र, जैसे श्री राधा रानी हा कृष्ण बोल करके दिन रात रोती रहती थी, व्याकुल होती थी, कृष्ण होते हुए भी कलियुग में वो साक्षात भक्त रूप में आए, अनिज अपना स्वरूप से नित्यानंद प्रभु रूप में, और श्रीवास भक्त आदि, और जो शक्ति रूप में कौन है, ये श्री गदाधर पंडित, ये शक्ति कृष्ण महाप्रभु का जो निज शक्ति, ये श्री गदाधर पंडित। इसलिए इनको बताया गया जितने कृष्ण महाप्रभु का लीला में हैं, कहते ये जो मूल शक्ति कौन है, बोले श्री गदाधर पंडित है, क्योंकि ये अभिन्न श्रीमती श्री राधा रानी है। इसलिए जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बोले पंच तत्वावतीर्ण चैतन्य रसांगे
पंचतत्व लयाकारे संकीर्तन रंगे पंचतत्व एक वस्तु नाही किछु भेद रस आस्वादिते तत्व विविध विभेद। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे महाप्रभु साथ में ये पंच तत्व रूप में आए और उन्होंने अपना पंच तत्वों को लेकर के कृष्ण स्वयं सबके साथ में संकीर्तन करते थे। कहते ये पंच तत्व तत्वतः ये पंच तत्व कोई अलग नहीं है, ये पंच तत्व को रस आस्वादित केवल उन्हें रस आस्वादन करने के लिए वो एक ही है महाप्रभु, वो पंच रूप में प्रकटित होकर के केवल रसास्वादन करते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी ही ये श्रीमती श्री गदाधर पंडित रूप में आए। बोले इनका जन्म कहाँ हुआ है, बोले इनका जन्म पूर्व बंगाल में, पूर्व बंगाल में इनका जन्म हुआ है। कहते एक गांव का नाम है चट्टग्राम। कहते पूर्व बंगाल है क्या चीज, बोले श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब ये जगत छोड़ करके जा रहे थे तो जाते समय वहां पर एक नदी जिसका नाम पद्मा नदी है। बोले पद्मा तेरे पास में मैं अपना प्रेम को रख करके जा रहा हूं, बाद में एक बहुत बड़ा वैष्णव आएगा, जब आएगा ये प्रेम तो उन्हें देना। तो वो पद्मा नदी कहती हैं हमें पता कैसे चलेगा वो वैष्णव कौन है। बोले वो इतने बड़े साधु है केवल उनका चरण स्पर्श होते ही पानी में अपने आप तुम उफनने लग जाओ, अपने आप तो हृदय प्रेम में गदगद हो जाएगा। समझ रहे यही वही महापुरुष है। कहते ये कौन है, कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर है। जब उन्होंने केवल उनका चरण स्पर्श हुई अपने आप जो पद्मा नदी अपने आप इनका हृदय प्रेम में उफनने लग गए हैं। फिर जब पानी उफना उसी समय अचानक एक हवा बहते हुए आई। कहते वो हवा पानी को टच करते हुए जिस तरफ में चली गई जितने महाप्रभु का करी करी जितने भक्त है सब उस तरफ से जन्म हुए हैं। और प्रभुपाद का जितने अक्षर करके प्रभुपाद का जितने गण हुए हैं जैसे मेरे गुरुपाद पद्म भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति देत माधव गोस्वामी महाराज है। कहते ये जितने सारे महापुरुष सबके सब उसी तरफ में जन्म हुए हैं। इसलिए ये चट्टग्राम में ये अवतीर्ण होते हैं। कहते ये श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में, इसलिए जिनके पिता का नाम था माधव मिश्र और पत्नी का नाम थी श्री रमा देवी, उन्होंने वहीं पर चट्टग्राम में जन्म हुए। जन्म होकर के वहां पर उन्होंने 12 साल तक वहीं पर रहे। 12 साल के बाद में फिर उन्होंने चट्टग्राम छोड़ करके श्री नवद्वीप धाम में आ गए। बोले क्यों, बोले कारण है अभी स्वयं श्री सचिनंदन गौर हरि जन्म हुए और इनका जितने परिकरों में जो सर्वश्रेष्ठ परिकर है श्री गदाधर पंडित, अभी महाप्रभु की लीला में मदद करने के लिए उन्होंने आ गए नवद्वीप धाम में। आ करके महाप्रभु का हर लीला में इन्होंने संगी बने, ऐसे कोई लीला नहीं जिस लीला में ये उनको मदद नहीं किए और उनकी संगी नहीं बने। हर लीला में इनके संगी बन करके उनकी लीला की। बोले कौन सा लीला, महाप्रभु जब विद्या विलास लीला कर रहे, महाप्रभु विद्या अध्ययन करते थे, ये गदाधर पंडित भी महाप्रभु साथ में पढ़ते थे और महाप्रभु उस समय में जिनका नाम था निमाई पंडित बड़े बड़े विद्वानों को छका छुड़ा देते थे। ऐसे ऐसे महाप्रभु प्रश्न करते थे बड़े बड़े पंडित भी जिनको सामने जवाब नहीं दे पाते थे। अगर महाप्रभु को देखे, अगर इधर से आ रहे बड़ा पंडित इधर से आ रहे, अगर वो महाप्रभु को देखते थे वो रास्ता बदला दया करते थे। बोले क्यों, बोले ऐसे ऐसे प्रश्न करता है जिन प्रश्न का हम उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए वो रास्ता को बदला देते थे। एक दिन गदाधर पंडित भी आ रहे थे तो इतने में महाप्रभु ने क्या किया, उनका हाथ पकड़ लिया। बोले बताओ मुक्ति का क्या लक्षण है, हैं? तो उन्होंने शास्त्र का कोटेशन दिया। बोले अत्यधिक दुख निवृत्त एव मुक्ति। मुक्ति उसे कहते हैं जब जीवन का संपूर्ण जब समस्त दुख जब दूर हो जाए, शास्त्र में उसको डेफिनेशन कहते हैं मुक्ति। महाप्रभु बोले नहीं ये असली मुक्ति नहीं, दुख दूर हो जाना ये सब कुछ नहीं,
लेकिन उसके साथ में आनंद भी प्राप्त होनी चाहिए। केवल दुख दूर हो जाना सब कुछ नहीं, पर महाप्रभु बोले देखो असली मुक्ति इसको कहते हैं भगवान के चरण कमल में प्रेम होना है। इसलिए विष्णु पदांग्र लाभ एवं मुक्ति, इसलिए मुक्ति तो अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। इसलिए असली मुक्ति का तात्पर्य है जीव जब अपना स्वरूप में स्थित होकर के शांत दास्य वात्सल्य और ये समस्त रस में जो उसका जो रस है, जब वो रस में स्थापित होकर के जीव संपूर्ण रूप में भगवत सेवा में जीव अभिष्ट हो जाए, भगवत सेवा रस को प्राप्त करे, उसको ही मुक्ति कहते हैं। इसलिए महाप्रभु उनको साथ में तरह तरह का शास्त्रार्थ तरह तरह का शास्त्रार्थ करते थे। कभी कभी गदाधर पंडित सोचते थे इतने बड़ा विद्वान जो केशव काश्मीर को उन्होंने छक्का छुड़ा दिया, परास्त कर दिया, जिनको साक्षात माँ सरस्वती साक्षात जिनको वरदान दिया था, इतने सुंदर देखने में और इतने बड़े महापुरुष है, इतना बड़े सुंदर स्वरूप है, अगर ये अगर कभी भगवान के कृष्ण अगर भक्त बन जाता तो दिन भर इसको साथ में रहा करता, इतना बड़ा विद्वान है, हाँ? हर समय भक्त लोग यही सब प्रार्थना करते थे। सचमुच से श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय अपना पितृपिंड देने के लिए उन्होंने गया में गए और भगवान की चरण कमल को दर्शन करते हुए जब अपना ईश्वरपुरी को महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार जत क्षण देखिला चरण तुमार तीर्थे पिंड दिले तरे सही जन तुमार दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही खड़े भवबंध पाए विमोचन। महाप्रभु कह रहे हैं आज मेरी तीर्थ आना सार्थकता हो गया, क्यों? मैं अपना गुरुपाद पद्म को मैंने दर्शन किया है और गुरु जी से मैंने दीक्षा ग्रहण किया। अभी महाप्रभु वो पंडित निमाई नहीं रहे, महाप्रभु अभी प्रेमी की निमाई हो गए। महाप्रभु भी जब वापस आए दिन रात कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण नाम लेकर दिन भर रोते हैं, कृष्ण प्रेम में लोट पोट उठाते हैं, हा कृष्ण बोलकर दिन रात कृष्ण प्रेम में दीवाना बने रहते हैं। और ये चीज को देख करके गदाधर पंडित इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बोले वाह हम तो जो चाहते थे इनके अंदर में वही चीज इनके हृदय में आया है। दिन रात कृष्ण बोल करके रोते थे। एक समय उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य इनके घर में महाप्रभु एक समय अपना महाभाव को प्रकाशित किया, महाप्रभु ने हैं अपना निज स्वरूप को उन्होंने प्रकाशित किया और सब भक्तों लोग देख देख करके प्रेम में लोट पोट उठा रहे थे। और जो गदाधर ये भी घर से बाहर बैठ करके गदाधर पंडित भी रो रहे थे और जब रो रहे थे महाप्रभु बोले गदाधर तुम्हारे जो जीवन है, प्रभु बोले गदाधर तुम्हें जे सुकृति शिशु हई ते कृष्ण रे करिया दृढ़ मती आमार से है न जन्म गेल वृथार से पाइनो अमूल निधि तल गेला दैव दोषे। कहते गदाधर तुम्हारी जीवन सार्थकता हो गया। बोले क्यों? बोले तुम बचपन से कृष्ण के चरण में तुम्हारी मति गति है, बचपन से तुम कृष्ण भजन करते हो, इसलिए महाप्रभु दैन्य करते हुए कहते लेकिन मेरा जीवन तो बेकार ही चला गया, क्यों? मैंने महाप्रभु बोले निमाई पंडित था, कहते विद्या अध्ययन करते करते हैं वृथा मेरे अपना जीवन को मैंने वृथा गमा दिया, लेकिन तुम्हारी जीवन धन्य। महाप्रभु यहाँ शिक्षा क्या देते हैं? बोले तब भी ये जीवन का सार्थकता है जब ये जीवन में बचपन से जब कृष्ण भक्ति करे, जिसको प्रहलाद महाराज बच्चों को कहते हैं बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवता निह दुर्लभ मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। महाप्रभु बच्चों को कहते क्या शिक्षा देते हैं? बोले बच्चों भगवान की भक्ति बचपन से 5 साल उम्र से भक्ति करनी चाहिए। बच्चों ने कहा 5 साल से क्यों करे, जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, अभी से करने का क्या जरूरत है? महाप्रभु ने कहा क्या तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है? अब लोग देखना अभी कोरोना से त्राही त्राही मचा हुआ चारों तरफ में, कितने लोग कोरोना से मर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं
क्या तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है इतना दिन जिंदा रहोगे? बड़े होने से पहले अगर राम नाम सत्य हो गया तो फिर भजन रहेगी ना, क्योंकि दुर्लभ मनुष्य जन्मम। फिर बच्चों ने कहे बोले अगर इसी जीवन में नहीं हुआ फिर दूसरे जीवन में करेंगे। नहीं बच्चों, दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ये जो जीवन है बड़ा दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, जिस जीवन के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं। इसलिए बोले देत ईस बिन है तु सनही, ठाकुर तक ऐसे कृपा करके ये जीवन तुम्हें दे दिया है। इसलिए भजन बचपन से करनी चाहिए। महाप्रभु गदाधर को यही बोले, बोले गदाधर तुम्हारे जीवन तो धन्य हो गया, क्यों? तू बचपन से कृष्ण के चरण में तुम्हारी मति है। इसलिए महाप्रभु यही शिक्षा देते हैं, बचपन से भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। जैसे गदाधर है कहते जिस समय महाप्रभु वापस आए, कहां से गया से वापस आए, और दिन रात रोते रहते हैं, दिन रात कृष्ण प्रेम में है नृत्य करते रहते हैं। एक दिन महाप्रभु ने बोले हा कृष्ण, मेरे कृष्ण कहाँ हैं, मेरे कृष्ण कहाँ हैं? इतने में साथ में गदाधर था, बोले प्रभु कृष्ण तो आपका हृदय में ही तो कृष्ण है। बोले मेरे हृदय में कृष्ण? बोले और क्या? उन्होंने अपना छाती को फाड़ने के लिए गए, अपना छाती को फाड़ने के लिए गए। इतने में गदाधर रोक लिए, बोले प्रभु चिंता मत करो, अभी कृष्ण आने वाले, अभी कृष्ण आने वाले, अब छाती को मत फाड़ो, कृष्ण आने वाले। बोले कृष्ण आने वाले? बोले हाँ। इसलिए कहते ये गदाधर की ये बुद्धि देख करके कहते महाश्री सच्ची मैया इतने खुश हो गई, इतने खुश हो गई। बोले गदाधर तू ये निमाई को छोड़कर और कहीं मत जाया करो, पता नहीं ये कब क्या बोलता है, मेरे को पता ही नहीं चलता, इसका उत्तर नहीं दे पाता हूँ। पता नहीं तुम इतने छोटे हो, कितने सुंदर तुम जवाब दे दिया है, कितने तुम इनको साथ में रहा करो। गदाधर पंडित जवाब के क्यों दे दिया, कारण क्या है? बोले कारण यही है, कहते महाप्रभु कलयुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के आए। अभी वही महाप्रभु अभी कृष्ण जैसे दिन भर राधा रानी हा कृष्ण करके जैसे दिन भर राधा रानी कृष्ण प्रेम में उन्मादिनी रहती थी, इसलिए राधा भाव से अभी वही राधा श्री गदाधर पंडित है। अभी राधा रानी कब क्या चाहती थी और उनके हृदय की भावना कौन राधा रानी तो समझेगी और कौन समझ सकती है? इसलिए गदाधर पंडित राधा रानी, वो राधा रानी होने का नाते इतने सुंदर आंसर देती थी जिसको सुन करके महाश्री महाप्रभु गदगद हो जाते थे। और श्री सची मैया भी महाप्रभु जब से गया से आए, जब ये घर में सालग्राम को पूजा करने जाते हैं, जाते ही सालग्राम को देखते ही वही कृष्ण का याद आता है, वही कृष्ण याद आता है, हैं? अभी कृष्ण को दर्शन करते हुए महाप्रभु राधा में विवाहित हो, कृष्ण कैसे परसु बोल करके बरसु हो गया जब वो जा रहे थे मथुरा। राधा रानी बोले कब आओगे? बोले मैं आज जा रहा हूँ, कंस को मार करके परसु आऊंगा। लेकिन परसु होकर कितना वर्ष बीत गया, अभी वो श्याम सुंदर आए नहीं। इसलिए महाप्रभु वही सालग्राम को दर्शन करते वही कृष्ण काले की याद आता है, हैं? जैसे भ्रमर गीत में जैसे कृष्ण स्वयं भ्रमर बन करके आए और कृष्ण राधा जी के चरण में बैठना चाहते हैं, और राधा रानी कैसे मानिनी हो करके कैसे वो भ्रमर को कृष्ण मान करके कैसे टेढ़ी मेढ़ी बात करते, बोलिए काले क्या, काले को यहाँ से भगा दो, ये काले का मैं मुंह दर्शन करना नहीं चाहता हूँ, ये हर जन्म में काला काला ही है, इसलिए इसका मैं नाम तक भी लेना इसका नहीं चाहता हूँ। इसलिए कृष्ण सालग्राम दर्शन करते ही वही भ्रमर गीत का सारे बात याद आता था, हैं? कैसे राधा रानी कृष्ण को मधुप कितप बंधु, तुम कपट का तुम बंधु हो, इसलिए मेरे चरणों को मत छुआ करो। उसको दर्शन करते ही महाप्रभु इतने रोते थे, इतने रोते थे, रो रो करके महाप्रभु अपना सारे कपड़ा भीग जाता था। फिर महाप्रभु कपड़े को छोड़ करके फिर नया कपड़ा धारण करते थे, फिर जब सालग्राम को पूजा करने जाते थे फिर वही कृष्ण की याद आता था, फिर महाप्रभु रोने लग जाते थे, रोते 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 फिर सारे कपड़ा भीग जाता था। ऐसे करते करते दिन भर महाप्रभु राधा रानी भाव से रोया करते थे। महाप्रभु बोलते थे गदाधर और हमसे ये सालग्राम का पूजा नहीं हो पाएगा, आज से तुम ये सालग्राम की पूजा तुम किया करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय सन्यास लेकर के हैं, महाप्रभु जब आए जगन्नाथपुरी आए,
कहते उनको साथ में गदाधर पंडित भी महाप्रभु साथ में श्री जगन्नाथपुरी आ गए। इसलिए कहते महाप्रभु का हर लीला में इनकी नवद्वीप लीला में और इनकी विशेष करके जगन्नाथ दोनों लीला में ऐसे कोई लीला नहीं जिस लीला में ये गदाधर पंडित का उसमें सहयोग नहीं। समस्त लीला में गदाधर पंडित समस्त लीला में उन्होंने विद्यमान। जब उन्होंने आए महाप्रभु तो कहाँ पर रहे, महाप्रभु तो रहे गंभीरा में और श्री गदाधर पंडित को कहाँ स्थान दिया, बोले तोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में। कहते तोटा गोपीनाथ है क्या चीज, ये उड़ीसा में जो तोटा कहते हैं किसको तोटा कहते हैं, बोले जहाँ सुंदर बगीचा हो, जहाँ पर जूही बेली चमेली सुंदर फूल खिला हुआ हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर फल हो आम अनानास, जहाँ पर चीकू आपेल अंगूर, जहाँ पर सुंदर सुंदर फल हो उसको कहते हैं उड़ीसा में, उसको तोटा कहते हैं। उनको उसी तोटा गोपीनाथ में ही उनको स्थान दिया है क्योंकि वहां पर गोपीनाथ जी वहीं पर प्रकट हुए और जो गोपीनाथ जी प्रकट हुए वहां पर पहले एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था। जैसे वृंदावन में गोपीनाथ जी कहाँ से प्रकट हुए, बंसीवट को नीचे से, ये बंसीवट किया जहां पर कृष्ण ने ये रास लीला की है वो बंसीवट है, इसलिए वहीं से ही गोपीनाथ जी प्रकट हुए। तो उसी तरह जो गोपीनाथ जी कहाँ पर प्रकट हुए, बोले वहीं, इसलिए उसको मानी जाती है जैसे वृंदावन का बंसीवट अभिन्न बंसीवट मानी जाती है तोटा गोपीनाथ को। वहीं पर जब महाप्रभु एक दिन हा कृष्णा कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाने पर वो श्याम सुंदर मिलेंगे, कृष्ण विरह में मेरा छाती फट रहा है, एक दिन महाप्रभु हाथ उठा करके दिव्य उन्माद वेश में महाप्रभु भागते हुए जा रहे हैं, सारे भक्त लोग उनको पीछे 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 सारे भक्त लोग चलते गए। जब चलते गए महाप्रभु जाकर रेतियों को खोदना शुरू किया है रेती को, इतने में गदाधर बोले बोले प्रभु अब यह रेती क्यों खोद रहे हो, बोले गदाधर यहाँ से एक दिव्य रत्न निकलेगा, ये जो दिव्य रत्न में तुम्हें प्रदान करेगा तुम लोगे, बोले प्रभु आप कोई रत्न दोगे मैं नहीं लूंगा, बोले देखो गदाधर देखो ये ठाकुर जी की मुकुट है। और उन्होंने खोदते खोदते रेती से खोदते खोदते श्री तोटा गोपीनाथ, वहीं से तोटा गोपीनाथ जी प्रकट हुए, बोले श्री तोटा गोपीनाथ की जय। जब तोटा गोपीनाथ जी वहां पर प्रकट हुए तब उन्होंने गदाधर पंडित को उन्होंने तोटा गोपीनाथ की सेवा उन्होंने प्रदान की। इसलिए ये जो तोटा गोपीनाथ में एक विशेष चीज है, बोले क्या है, आप हर जगह में देखोगे राधा रानी गोरी, लेकिन आप तोटा गोपीनाथ में देखोगे राधा रानी गोरी नहीं है, वहां पर राधा रानी काली है, हैं? और वहां पर उनको बाम पार्श्व में भी देखोगे वहां पर ललिता सखी है वो भी काली है, हर जगह में देखोगे वो गोरी है लेकिन वहां पर देखोगे काली गोरी नहीं वो काली है, क्योंकि राधा जी का एक नाम है श्यामा, श्यामा मतलब श्याम कृष्ण है, उनके रंग में जो रंगी हुई है कहती, इसलिए राधा जी का नाम एक श्यामा। जैसे हमारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हमारी हर गौड़ीय वेदांत समिति में उन्होंने जितने उन्होंने कृष्ण को स्थापन किया क्या सबके सब सफेद श्याम वर्ण के, बोले कारण क्या, बोले कारण है कृष्ण स्वयं, बोले राधा भाव निवेशन जस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरण बंदे राधा आलिंगित विग्रह। जैसे श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी की चिंतन करते 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 उन्होंने स्वयं उन्होंने गौरव वर्ण धारण किया था, उसी तरह तोटा गोपीनाथ में भी कहते कृष्ण चिंता निवेशन, यहाँ पर तो कृष्ण राधा चिंता निवेश में यहाँ पर बन गए गोरे, लेकिन वहां पर राधा रानी बोले कृष्ण चिंता निवेशन जस्य कांतिर विलोपिता, यहाँ पर राधा रानी कृष्ण चिंतन करते 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 वहां पर श्री काली रूप धारण किए हैं और राधा रानी त्रिभंग ललित रूप में वहां पर खड़ी हुई है, इसलिए वही केवल एक ही जगह पर राधा रानी काली दिखेंगे और एक ही जगह पर हम देखेंगे, जहां पर कहीं भी देखो भगवान कृष्ण को देखोगे सब जगह में खड़े हुए देखोगे, कहीं भी बैठे हुए नहीं देखोगे, लेकिन केवल तोटा गोपीनाथ में जाकर के देखोगे कृष्ण को बैठते हुए। बोले कृष्ण क्यों बैठे, तो गुरु जी जब कभी पुरुषोत्तम महीना में
हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जब पुरुषोत्तम व्रत पालन कर रहे थे तब उन्हें सारी मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए थे। करते हुए जब तोटा गोपीनाथ में पहुंचे तो गुरु जी ने बताया था कृष्ण यहाँ जो बैठे हैं यहाँ पर तीन कारण उन्होंने बताया। पहला कारण ये बताया महाप्रभु रोज तोटा गोपीनाथ मंदिर में जाते थे और गदाधर पंडित से उन्होंने भागवत कथा सुनते थे। जब भागवत कथा सुनते थे कथा कौन बोल रही है, बोले गदाधर पंडित। कहते गदाधर पंडित है कौन, बोले ये स्वयं राधा रानी। जब साधारण कोई भक्त कथा सुनाता है वो कितने मीठी लगता है, कथा कितने मधुर लगता है, और जहां पर स्वयं राधा रानी कथा सुनाएगी वहां तो कोई बात नहीं है। क्योंकि राधा रानी कौन, ये साक्षात प्रेम स्वरूपिणी रस स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, तो उनकी कथा में कितने मधुर नहीं होगा। इसलिए वहां पर महाप्रभु रोज जाकर के वहां पर उन्होंने कथा को सुनते थे। भले जब कथा सुनते थे वहां पर गदाधर पंडित कथा सुनाया करते थे महाप्रभु को। जब महाप्रभु कथा सुनाया करते थे तो इतने में तोटा गोपीनाथ सोचते थे भैया मेरी राधा रानी कथा सुना रही है और कितने मधुर कथा सुना रही है, और स्वयं बैठ कर कौन सुन रहे हैं, वही कृष्ण ही कलियुग में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के स्वयं बैठ कर सुन रहे हैं। तो तोटा गोपीनाथ क्या करेंगे, वो भी आकर के बैठ जाते, आकर के वहां पर कथा सुनते थे। इसलिए गुरु जी कहते थे वो जो गोपीनाथ बैठे हुए उसी लिए बैठे हुए राधा रानी के मुंह से, श्री गदाधर पंडित का मुंह से वो भागवत कथा सुनना चाहते थे इसलिए वहां पर बैठे। और महाप्रभु वहां जो कथा सुनने जाते थे, बोले क्यों कथा सुनने जाते थे, इसका रहस्य क्या, बोले रहस्य है अभी कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के कलयुग में महाप्रभु का रूप में आए। बोले महाप्रभु का रूप में आए क्यों, कारण क्या, बोले कारण है ये राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम में दीवानी बनकर के इनकी शरीर में जो जो तरह तरह का जो दिव्य उन्माद चित्र जल्प अनुजल्प प्रजल्प विजल्प जो दिव्य भाव प्रकट होता है, हैं? इसलिए महाप्रभु कलयुग में राधा जी के भाव लग रहे गाय। अभी बगैर गुरु से तो कोई शिक्षा हो ही नहीं सकता है। अभी राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम का आस्वादन करती है, जो राधा रानी को जितने आनंद उससे करोड़ गुण आनंद कृष्ण को होता है। अभी ये बात कौन किसको सिखा सकता है, ये बात राधा रानी तो सिखा सकते कृष्ण को। इसलिए मानो महाप्रभु यहाँ आकर बैठ करके राधा रानी से उस भाव को जिसको शिक्षा प्राप्त करते थे, हैं कैसे मैं ये चीज को, क्यों राधा रानी कौन है, कृष्ण का जो प्रेम का गुरु ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए मानो यहाँ पर गुरु रूप में बना करके महाप्रभु राधा रानी को पास से ये दिव्य शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहते ये पहला कारण है कृष्ण क्यों बैठे हैं। कहते इसका दूसरा कारण क्या, बोले दूसरा कारण गुरु जब कहते थे, बोले कृष्ण कहाँ बैठे जिस समय रासलीला हो रही थी, रासलीला होते होते जहां पर राधा रानी का मान हो गया, क्योंकि देखा कृष्ण सबको साथ में और कृष्ण मेरे साथ में, और गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत प्रकट हो गया, बोले अभी राधा रानी को कोई जरूरत नहीं, कृष्ण हमें कितने प्यार दे रहे हैं, कितने कृष्ण हमें प्रेम करते हैं कृष्ण, इसलिए राधा रानी को कोई जरूरत नहीं, इनके अंदर में हरे कृष्ण महाराज जी, हरि बोल। हरे कृष्ण, महाराज जी डिस्कनेक्ट हो गए, वापस अभी कनेक्ट करेंगे।
हम लोग कुछ देर इंतजार करेंगे महाराज जी का, शायद अभी वापस ज्वाइन करेंगे, हो सकता है उनका बैटरी खत्म हो गया हो या नेट बंद हो गया। महाराज जी बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे कि किस तरह से महाप्रभु गदाधर पंडित से टोटा गोपीनाथ में भागवत श्रवण करते थे, क्योंकि यहाँ पे गदाधर पंडित जो है उनके गुरु रूप में हैं, राधा रानी जो है प्रेम के गुरु हैं और प्रेम की शिक्षा ले रहे हैं महाप्रभु टोटा गोपीनाथ जाके, हर रोज उनसे भागवत कथा सुन रहे हैं और इसीलिए वो टोटा गोपीनाथ जी बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्योंकि उनको भी इतना आनंद आ रहा है, जिस तरह से महाप्रभु आनंद ले रहे हैं उसी तरह से टोटा गोपीनाथ गोपीनाथ कृष्ण स्वयं राधा रानी के मुख से सुन के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। एक मिनट महाराज, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, महाराज जी का फोन आया था तो महाराज जी कह रहे हैं कि उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई है या फिर उनका वो वापस अभी आएंगे एक दो मिनट में ही हमारे साथ वापस आएंगे महाराज जी। तो इस तरह से गदाधर पंडित जो है, जैसे महाराज जी ने कहा, हर समय महाप्रभु के साथ रहे हर समय, क्योंकि गुरु की जरूरत, गुरु के बिना हम कुछ नहीं सीख सकते, यहाँ महाप्रभु ने इस बात को दर्शाया है और राधा रानी की शरण ली है उनसे प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनके भाव प्राप्त करने के लिए राधा रानी के शरणागत हुए हैं। और जिस प्रकार गुरु जो है शिष्य को सिखाता है धीरे धीरे, जैसे कि एक ड्राइवर गाड़ी चलाना जब सिखाता है तो उसके साथ बैठता है और अपना हाथ स्टीयरिंग पे रख के चलता है, वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे गदाधर पंडित जो है हर समय महाप्रभु के साथ रहे और जब वो अपने भावों में डूब जाते, बेहोश हो जाते तो उनको वहां पे हेल्प करते, किस तरह से कहीं ज्यादा तेज ना चले जाएं, कहीं ज्यादा भावों में एकदम अचानक से प्रविष्ट ना कर जाएं, तो हमेशा ध्यान रखती थी राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में। लेकिन धीरे धीरे वो ड्राइवर इंस्ट्रक्टर है, धीरे धीरे उनको हाथ अपना हटाना शुरू कर देता है। अच्छा महाराज जी आ गए लगता है। हरे कृष्णा, दंडवत महाराज जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा महाराज जी, हरी बोल। नहीं अभी आ जाएंगे कुछ देर में। हरे कृष्णा महाराज जी, आवाज बहुत कम आ रही है। हरि बोल। हरे कृष्णा आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा। नहीं प्रभु जी, वीडियो भी आ रहा होगा। वीडियो आ रहा है? हाँ अभी ठीक है। हरे कृष्णा, माइक कनेक्ट कर दे रहा हूँ वापस। आवाज आ रही है?
आवाज कम आ रही है, हरे कृष्णा। आपका म्यूट, माइक म्यूट दिखा रहा है। महाराज का ऑडियो लगता लगा नहीं है अभी। हरी बोल महाराज जी, आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट है। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ अभी अनम्यूट हो गया, कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हरी बोल, आप आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है। कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑफ। हाँ अभी हो गया, ठीक है। अब आवाज फिर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अब आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही महाराज जी, कुछ गड़बड़ है। हरी बोल, हरे कृष्णा। हाँ महाराज जी, ठीक है अब, ठीक है, बोलिए। हरी बोल, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? नहीं प्रभु, ठीक से नहीं आ रही आवाज, आपका सिग्नल कम लग रहा है मेरे को। अरे कृष्णा, मुझे लगता है आपका कैमरा ऑफ कर देता हूँ मैं थोड़ी देर से, ताकि आवाज साफ आएगी। प्रभु जी आवाज बहुत कम आ रही है, आप कैमरा ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत। आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है, टूट के आ रही है, साफ नहीं आ रही। नहीं प्रभु, ठीक से नहीं आ रही आवाज। आप अनम्यूट करें, आपका म्यूट है अभी भी माइक। आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हरी बोल, हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी बोल। हाँ महाराज जी, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ महाराज जी, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। बोलिए महाराज जी। हरे कृष्ण जी। हाँ, हम लोग श्रवण कर रहे थे जो गोपीनाथ, जो टोटा गोपीनाथ वहां पर क्यों बैठे हैं, इसका दूसरा कारण हम श्रवण कर रहे थे। क्या सुन रहे थे दूसरा कारण? आप रासलीला के बारे में बता रहे थे महाराज जी, इसलिए। हाँ रासलीला,
जब रासलीला हो रही थी, राधा रानी जब मान करके चली गई और गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत हो गया, कृष्ण ने देखा तो बड़ी गड़बड़ी हो रही, क्योंकि राष्ट्रेश्वर तो श्रीमती राधा रानी, लेकिन ये गोपियों ने अभी इनके अंदर में हैं कहते इनके अंदर में ये सौभाग्य मत प्रकट हो गया, बस स्वाधीन इनके अंदर में स्वाधीनी नायिका भाव प्रकट हो गया, बोले हम अभी राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, बगैर राधा रानी के तो हम पूर्ण हैं। कृष्ण ने राधा रानी की मान को दूर करने के लिए, गोपियों की सौभाग्य मद को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण वहां पर अंतर ध्यान होते, अंतर ध्यान होने पर ब्रज गोपियां कृष्ण विरह में व्याकुल होकर के लता पता वृक्ष सबको हमारी कृष्ण कहाँ है कृष्ण, उनको कृष्ण 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 बोलकर ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने कृष्ण का चरण चिन्ह देखा, फिर देखा कृष्ण का दोनों चरण चिन्ह के बीच में एक सुंदरी प्यारी एक सुंदर चरण है, जिसको देख करके सुनते हैं गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए। कभी यहाँ पर जो उन्होंने श्लोक उन्होंने उच्चारण किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे दो दल में अगर युद्ध हो, जिस दल जीत जाता है जैसे संत बन जाता है, उसी तरह यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोले प्रिया सुत श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवास। यदि राधा रानी की प्रिय सुख है, राधा रानी जिसको है अपना निकुंज में स्थान दिए, राधा रानी का समस्त लीला दर्शन की, राधा रानी कभी कभी ये सुख को कृष्ण मान करे कभी कभी चुंबन करती थी, इसलिए राधा जी की ये प्रिय सुख है। माने यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी डिक्लार करते हैं, यद्यपि यहाँ पर पांच तरह की गोपियां हैं, तटस्थ और ये सारे गोपियां, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का देखो देखो तो सही, तुम लोग भले ही जितने अपने आप को सौभाग्य मानो, लेकिन हमारे श्याम सुंदर लेकर गए, किसको लेकर गए, केवल हमारे ईश्वरी जी को राधा रानी को लेकर गए। इस लोग ने डिक्लार करते हैं अनाराधितम, ये सखी निश्चित रूप में कृष्ण को विशेष पूर्वक इनकी सेवा की, जिस वजह से कृष्ण इनको लेकर गए। जब ऐसे ढूंढते ढूंढते कृष्ण जिस समय राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी, गोपियों को आते हुए देख करके कृष्ण राधा जी को बोले यहाँ से चल पड़ो जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर गोपियों ने देख लिया मैं तुमको अकेले लेकर आई हूँ, फिर दूसरे भी ऐसे मान करके बैठ जाएगी, पर ये महारास नहीं हो पाए, ये महारास असंभव। राधा रानी सोचा मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया, इसलिए क्योंकि मैंने जैसे कृष्ण के लिए दीवानी बनी, ये गोपियां तो मेरे कायम भी है ना, मेरे प्रकाश स्वरूप है, इतने में राधा रानी सोच रही है अगर मैं थोड़ी सी मान कर लेती हूँ, नहीं मैं जा नहीं चल सकती हूँ, इसलिए जैसे मेरे को रास से उठा करके लाए थे पैसे ले जाओ, अगर ऐसे करते करते गोपियां आ जाएगी फिर तो हम रास करेंगे। इतने में कृष्ण बोले क्या मेरे कंधे पर बैठे, बोले बैठ जाओ। इतने में जो बैठने के लिए गई वहीं पर कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर गोपियां जमुना किनारे में बैठ कर गोपी गीत गाए, जो गोपी गीत गाए जब कृष्ण मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर कृष्ण जब प्रकट हुए हैं उसी समय में क्या किया, उसी समय गोपियों ने सारे अपना चुंदरी को उतारे, अपना दोपट को चुंदरी को उतार करके उन्होंने सुंदर उन्होंने आसन बिछवाया और कृष्ण को वहां पर बैठाया। इसलिए गुरुदेव कहते थे बोले कृष्ण ये कौन है, बोले योगेश्वर अपी, ये कृष्ण साधारण नहीं, जिनकी चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद और बड़े बड़े ऋषि लोग जिनकी चरण को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा भी बोले यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति कृष्ण की चरण की नख की छटा तक को भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज वो कृष्ण कहाँ पर बैठे हैं, बोले गोपियों की चुंदरी के ऊपर, उनकी चुंदरी के ऊपर बैठे, मतलब क्या कि संपूर्ण रूप में गोपियों की प्रेम में संपूर्ण बसीभूत होकर के उनकी चुंदरी के ऊपर बैठे। इसलिए गुरुदेव कहते थे कृष्ण कहाँ बैठते हैं, बोले गोपियों के प्रेम में बसीभूत होकर चुंदरी के ऊपर। ये दो जगह गुरुदेव बताए, बोले जो तीसरा कृष्ण कहाँ पर बैठते, गुरुदेव का तीसरा जगह है यहाँ पर,
जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, उनके अंतर ध्यान से गदाधर पंडित राधा रानी अभी कृष्ण विरह में कैसे प्राण धारण कर सकती हैं। अभी कृष्ण विरह में चिन्ह व्यथित हो गई, आप सब के सब जगन्नाथपुरी आए होंगे, तोटा गोपीनाथ को दर्शन किए होंगे, कितने विशाल विग्रह, बहुत बड़े विग्रह तोटा गोपीनाथ जी, वो बैठे हुए इसलिए छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जब खड़े थे विशाल विग्रह, इसलिए महाप्रभु का विरह में इतने व्यथित हो गया था पंडित, धीरे 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 उनका विरह में धीरे 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 छोटे होते जा रहे, एकदम धीरे धीरे उनका विरह में व्याकुल हो रहे हैं, धीरे 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 छोटे होते जा रहे हैं। और जो गोपीनाथ को जिसे रोज उनको स्नान करना, श्रृंगार करना, उनको फूलमाला पहनाना, उनको सेवा धीरे धीरे उनको हो नहीं पा रहा है। राधा पंडित बोले प्रभु मेरे से और सेवा नहीं हो पा रहा है, आप और किसी दूसरे भक्तों का व्यवस्था कर दो, मेरे से और नहीं हो पाएगा। बोले गदाधर अभी तेरे को छोड़ करके मैं किसको ढूंढू, राधा रानी जैसे सेवा करेगी, उनकी हृदय की भावना को देख रहे राधा रानी कैसे है, कहते कृष्ण का जो हृदय की जो भाव है, इसे शीशा को सामने खड़े हो जाओ, आप जैसे ठीक वैसे ही शीशा में प्रतिफलन होता है, उसी तरह कृष्ण के जितने सारे भाव है सबके सब राधा जी के हृदय में अपने आप प्रतिफलित होता है, राधा रानी अपने आप समझ जाती है। अगर राधा रानी सोचती है कृष्ण मान करने पर खुश होंगे, मान करके बढ़ जाती है, कृष्ण को मान छोड़ने पर खुश हो जाएगा, अपने आप मान छोड़ देती है, तो कृष्ण का भाव का जो प्रतिबिंब रूप श्री ये राधा रानी। बोले राधे अभी तुमको छोड़ करके और किसको मैं सेवा ग्रहण करूँ, किसको ढूंढू, कोई चिंता मत करो, तुम सवेरे आकर के देखना मैं बैठ गया, जब सचमुच से सवेरे में आए देखे महाश्री गोपीनाथ जी वहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए गुरुदेव ये तीन कारण कहा करते थे, किसी ये गोपीनाथ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और गुरुदेव और एक अच्छी बात कहा करते थे, कहते थे महाप्रभु जब गंभीरा में थे तो वहां पर स्वरूप दामोदर राय रामानंद वहां पर जाते थे उनको प्रबोध देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, और उनकी भाव का अनुरूप गीत गीत गोविंद चंडी दास का पद्यावली है ये सब चीज को सुना सुना कर उनको भाव को बढ़ाया करते थे। जैसे जैसे महाप्रभु के हृदय में भाव होता था उसी अनुरूप उन्होंने भाव का कीर्तन करते हुए उनकी भाव को बढ़ाया करते। तब गुरुदेव कहते थे भैया ये स्वरूप दामोदर राय रामानंद जाते थे, ये गदाधर पंडित क्यों नहीं जाते थे, ये तो स्वयं राधा रानी इनको तो जानी चाहिए ना, महाप्रभु का भाव को सांत्वना देने के लिए, भाव को अनुरूप श्लोक बोलकर भाव को उद्दीपना करने के लिए इनको जाना चाहिए था, लेकिन ये जाते थे गदाधर पंडित क्यों नहीं जाते। तो गुरुदेव बहुत अच्छी उदाहरण देते थे, बोले कारण है जैसे किसी घर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, किसी घर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है उनको सांत्वना कौन देने के लिए आते हैं, कहते कोई बाहर व्यक्ति उनको आकर के उनको सांत्वना देते, बोले भैया क्यों दुखी हो रहे हो, संसार नश्वर है, एक दिन सबको जाना है, शरीर तो छूटेगा, शरीर तो एक वस्त्र है, जैसे एक नया वस्त्र है पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ही शरीर भी ठीक वैसे ही, कौन उसको दूसरा व्यक्ति समझाते हैं, लेकिन जैसे आपका घर में कोई व्यक्ति मर गया दूसरा व्यक्ति आकर समझा, लेकिन अगर उसी घर में अगर उसका कोई अगर कोई मर गया तो वो क्या खुद समझा सकते हैं, उसके घर में अगर कोई खुद मर गया तो वो खुद को खुद नहीं समझा सकते हैं, उसको कोई दूसरा व्यक्ति समझा सकते हैं। बोले ठीक उसी तरह महाप्रभु अभी किसी भाव में विभावित है, महाप्रभु राधा भाव में विभावित होकर के श्याम सुंदर कैसे मथुरा के चले गए, मथुरा से द्वारका कैसे चले गए, कैसे राधा रानी कैसे कृष्ण विरह में दिन रात हा कृष्ण बोलकर रोया करते थे। इसलिए ये महाप्रभु चूंकि राधा जी की भाव में विभक्त है, ये राधा रानी कभी राधा रानी को नहीं समझा सकते, अगर उनके विरह कोई दूसरे व्यक्ति उनको समझा सकते हैं, लेकिन राधा रानी को खुद नहीं समझा सकते हैं। इसलिए गदाधर पंडित गंभीरा में नहीं जाते थे महाप्रभु को समझाने के लिए, लेकिन वहां पर स्वरूप दामोदर जाकर उनको भाव का अनुरूप श्लोक पढ़ाया करते थे, उनको ये सांत्वना दिया करते थे। इसलिए कहते जब महाप्रभु का लीला चल रही थी, कहाँ पर महाप्रभु का लीला चल रही थी नवद्वीप में, जब चल रही थी एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु है रो रहे थे, बापर मोर है उन्होंने बापर मोर बोल करके कहते यही भक्तेर नाम लैया गौरांग ईश्वर कुंडरी की बाप बोली कांदेन बिस्तर
पुंडरी की विद्यानिधि चरित्र सुनिले अवश्य हरे कृष्ण पाद एक दिन महाप्रभु हा मोर बाप बापरे मोर पुंडरी की विद्यानिधि बापरे मोर पुंडरी की विद्यानिधि बोल के एक दिन महाप्रभु रो रहे थे पुकार रहे थे। सब लोगों ने सोचा पुंडरी की तो भगवान का नाम है लेकिन ये विद्यानिधि किसका नाम, ये विद्यानिधि कौन है, इसको समझ में नहीं आ रहा था महाप्रभु से क्यों सब नाम को लेकर रो रहे। इतने में जब भक्त लोगों ने पूछा तो महाप्रभु बोले एक पुंडरी एक विद्यानिधि है परम भक्त है, ये नवद्वीप में आने वाले ही भक्त और कहते बोली कांत इनकी कथा श्रवण करने से क्या होगा अवश्य उसको कृष्ण चरण में उसका प्रेम भक्ति की प्राप्त होगा। इसलिए पुंडरी विद्यानिधि जब नवद्वीप लीला में आए नवद्वीप धाम में इतने में श्री मुकुंद ये अत्यंत पुंडरी विद्यानिधि परिचित व्यक्ति मुकुंद है उनको पता है ये पुंडरी विद्यानिधि और है कृष्ण लीलामी स्वयं श्री वृषभन महाराज कृष्ण लीलामी वृषभन महाराज है। इसलिए अगर गदाधर पंडित को कहीं पता चलता था कोई साधु आया है वो जरूर दर्शन जाते थे साधुओं का दर्शन करते थे है? क्योंकि साधु दर्शन से कहते हैं दर्शन नाम भवत बंध उस अखनो सभी तुरजता जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है कहते साधु दर्शन हरि बोल हरे कृष्णा लगता है महाराज जी का फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है फोन। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी उनको कह दो कि उसमें पावर बैंक लगा कर रखे और जब आवाज हरे कृष्णा। इसलिए अभी कहते वैष्णव महाराज जी का फिर डिस्कनेक्ट हो गया फोन, हो सकता है वहां पे सर्विस पुअर हो। वो बोलोगे ना
हरे कृष्णा। हाँ महाराज एकदम साफ आ रहा है। हाँ एकदम साफ आ रहे हैं ना। हाँ एकदम साफ। हम बाहर आ गए। हाँ यहाँ अच्छा है। अच्छा है ना। फोन को किसी एक जगह रख दो ताकि हिलेगा नहीं। नहीं अभी हम खड़े होकर बोल रहा हूँ, 5 मिनट बोल देता हूँ। इसलिए अभी उन्होंने मुकुंद ने गदाधर पंडित को बोले चलो एक बहुत बड़े संत आए हैं उनको दर्शन करने के लिए चलते हैं। लेकिन गदाधर बचपन से ही वैराग्य है, संसार के प्रति इनका विराग है, हैं संसार में कोई इनकी आसक्ति नहीं। अभी वैष्णव दर्शन के नाम सुन के बोले वैष्णव आए, बोले चलो जल्दी चलो वैष्णव दर्शन के लिए। जब आए तब कहाँ पर आए, इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि कहते पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज कहते रागात्मक भक्ति है, हैं ये कोई साधन सिद्ध भक्ति नहीं, रागात्मक भक्ति है। कहते वैराग्य कौन करते हैं, बोले वैराग्य करते हैं साधक व्यक्ति, साधारण साधक वैराग्य करते हैं। लेकिन ये तो रागात्मक भक्ति है, तो नित्य सिद्ध परिकर भगवान की, इसलिए इनका जो क्योंकि राधा रानी के पिता है वृषभानु महाराज, इनका जो ठाट बाढ़ है क्या सुंदर पलंग गजदंत है, गजदंत पलंग इनकी और में और एकदम सफेद दूध जैसे सफेद बिस्तरा है और जिसमें पान खा रहे हैं और जिसमें पीक दानी जिसमें थूकते हैं वो सोने की बनी हुई है और जो उनका जो केस है इतने सुंदर घुंघराली केस, बड़े सुंदर घुंघराली केस इनकी, हर होठ में जैसे एकदम लाल बड़ा हुआ है और उनको जो पिल्लो है, हैं जो मसल जिसको पिलो 5-6 2-2 प्यार में दो हाथ में सर के पास में है पिलो बड़े सुंदर और 5-6 सेवक कोई पंखा झुला रहे हैं, कोई है कोई पंखा झुला रहे हैं, कोई चामर बेजने कर रहे हैं और जिसमें थूकते हैं वो सोने की और वो क्या कर रहे हैं बारंबार शीशा में अपना मुख को देख रहे हैं, बारंबार शीशा में अपना मुख को देख कर हंस रहे हैं खुश हो रहे और जो कपड़े पहने हुए वो रेशमी बड़े कीमती कपड़े पहने हुए हैं, बड़े ठाड़ बाड़ इतने ठाड़ बाड़ इनकी। अभी गदाधर तो अक्सर करके सब लोग जानते हैं, जो साधु लोग होते हैं महाप्रभु भक्त जब तक वैराग्य प्रधान महाप्रभु का भक्त सबके सब वैराग्य, जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ये कितने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, केवल कम्बल केवल कमंडलू और साधारण घर में रहते हैं, हैं बढ़िया नहीं खाते बढ़िया नहीं पहनते हैं। जैसे महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं भालो ना खाई वे और भालो ना पड़ी वे, बढ़िया खाना नहीं बढ़िया पहनना नहीं है। भक्त लोग तो एकदम वैराग्य भाव में रहते हैं, उनको ये सोचते थे कोई बहुत बड़े संत होंगे वैराग्य दिन भर कृष्ण नाम जप करते होंगे कृष्ण प्रेम में विभोर हुए होंगे रोते होंगे, लेकिन इनके हाव भाव को देख करके है बारम्बार पान खा रहे हैं थूक रहे गोल्डन पट में और अपना मुंह को बारंबार देख रहे हैं शीशा में, क्या वस्त्र क्या चमक धमक, कोई 2-3 व्यक्ति चरण दबा रहे हैं, ये तो लग रहा था जैसे महाविषयी महाभोगी। इसको देख करके इनके अंदर में जो भावना थी ना वैष्णव का प्रति पूरा पूरा नष्ट हो गया, बोले ये कहां मेरे को ले आई कोई वैष्णव ना महाभोगी है, कि भाई वैष्णव का कोई लक्षण ही है, है? क्योंकि वो सख्या वृषभान महाराज उनको बैराग की कोई जरूरत नहीं, वो तो कोई साधक है ही नहीं। अभी इनका मन खराब हो गया, होने पर इनकी भावना को समझ गए मुकुंद, बोले इनको तो उनको प्रति अवज्ञा हो रहा है, अगर किसी वैष्णव चरण में अगर अपराध हो गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। फिर इन्होंने उनकी भाव को प्रकट करने के लिए भागवत का एक श्लोक उन्होंने उच्चारण किया है, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाब्धि। इसका मतलब है यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जिस श्लोक को सुन करके, पहले सुखदेव गोस्वामी परम ब्रह्म ज्ञान थे संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान में डूबे हुए थे, लेकिन जिस श्लोक को सुन करके सारे ब्रह्म ध्यान और ज्ञान को छोड़ करके हाथ उठा करके जिन्होंने सब छोड़ करके व्यास देव के पास में आए और संपूर्ण रूप में भागवत को सुने जिसमें कृष्ण कितने दयालु कृष्ण कितने कृपालु, पुतना को जिस पुतना के अंदर में सारे अपगुण है, पहला नंबर पुतना, पुतना मतलब क्या जो पूत नहीं जो अपवित्र, दूसरा नंबर बच्चों को खून पीने वाली, तीसरा नंबर राक्षसी, चौथा नंबर कृष्ण के लिए जहर लेकर के आए, लेकिन हमारे कृष्ण इतने दयालु कहते गुण अपगुण प्रभु देखो ही ना
ठाकुर किसी को अवगुण के प्रति कभी नजर नहीं देते हैं, केवल उसका गुण के प्रति नजर देते हैं। कृष्ण कितने दयालु होते, ऐसे जो कृष्ण दयालु हुए इनको छोड़कर और हम भजन भजन किसकी करें। जब उन्होंने कृष्ण की दया के ऊपर में श्लोक को बोले, सुखदेव गोस्वामी जिसको सुन करके पागल होकर चले आए थे, अब पुंडरीक विद्या ने जब ये श्लोक को सुने, वो जो सारे कपड़े रेशमी कपड़े पहने थे उसको फाड़ रहे थे और हाथ प्यार को फेंक करके, कृष्ण रे बाप रे मोर कहाँ तुम गए हो, हा कृष्ण कृष्ण बोल करके वो जो रो रहे थे, और कहाँ वो सारे तकिया, कहाँ सुंदर वस्त्र, कहाँ पीकदानी, हाथ प्यार को मैं ये छोड़ करके कैसे कृष्ण प्रेम शरीर में सारे स्वेद कंप अश्रु विवर्ण पुलक सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहा था। इसको देख करके गदाधर पंडित अक्के बक्के चक्के हो गए, भगवान इतने बड़े साधु इतने बड़े वैष्णव इनका प्रति तो मैं विषय भाव सोच लेते विषय हैं, इतने बड़े साधु कृष्ण की गुण की महिमा सुनकर यही से प्रेम में तो कभी दिखा ही नहीं इतना प्रेम, इनकी चरण में मेरी अपराध हो गया है क्योंकि इनकी प्रति मैंने भावना मेरी खराब हो गई। इसलिए शास्त्र में कहते हैं वैष्णव चरण में छह छह भाव से अपराध होता है, बोले हंदी निंदंती वैदृष्टि वैष्णवानाम जे अभिनिंदंती क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शने पतनानि सट। बोले छह व्यक्तियों का पतन होता है, गद हंती जो वैष्णव को वध करते हैं, निंदंती जो निंदा करते हैं, जो वैष्णवानाम जो अभिनिंदंती वैष्णव को देख करके जो अभिनंदन करते हैं नहीं करते, जाति न हर्ष देख करके उनको प्रसन्न नहीं होते हैं, हैं? कभी ये छह तरह से वैष्णव अपराध। बोले इनको देख करके तो मेरा भाव खराब हो गया, इनके प्रति वैष्णव भाव छोड़कर विषय भाव में ले आया, अभी मेरा अपराध कैसे दूर होगा। फिर महाप्रभु के पास में आए, बोले प्रभु अभी क्या करनी चाहिए, ऐसे अपराध हो गया। बोले एक काम करो, उनसे तुम मंत्र ग्रहण करो, जब किससे तुम मंत्र ग्रहण करते हो वो तुम्हारे पिता हो जाते हैं, तुम उनका बेटे हो जाते हो। अब पिता बच्चे को अपराध नहीं लेते, जाओ उनको पास में जाकर के उनसे मंत्र ग्रहण करो, उनको तो पिताजी है ये वृषभानु महाराज जी राधा रानी। इसलिए उन्होंने गए और उनको चरण में माफी मांगे और उनसे दीक्षा मंत्र को उन्होंने ग्रहण करते, दीक्षा मंत्र को उन्होंने ग्रहण किया, ग्रहण करते हुए फिर उनकी शरण लेते हुए उन्होंने भगवान की भजन किया है श्री गदाधर पंडित। जब ये गदाधर पंडित तोटा गोपीनाथ में रहते थे, एक दिन नित्यानंद प्रभु आए बंगाल से, जब बंगाल से आए तब उनने तोटा गोपीनाथ के लिए एक सुंदर कपड़ा लेकर के आए और सुंदर वहां के जो बड़ी सुंदर जो गोविंद भोग चावल है, वो इतने सुंदर चावल अगर यहाँ पर रोसी बनेगा ना आसपास में पता चले जाएगा, जैसे बासमती चावल इधर है उस तरफ में है ये गोविंद भोग चावल है, बड़ा सुंदर छोटे छोटे चावल इसमें उधर खीर बनाते हैं, बहुत सुंदर चावल। उनने गोपीनाथ के लिए चावल और उनके लिए लेकर के आए थे सुंदर वस्त्र है। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जैसे हम किसी अपना प्रिय व्यक्ति को पास में जब हम जाते हैं, हम कभी खाली हाथ से नहीं जाते, उनके लिए कोई कपड़ा लत्ता मिठाई फल फूल लेकर जाते हैं। क्या उसी तरह जब हम धाम में कभी जाए है, अगर जिसको प्रति प्रेम होगा उसके लिए तो लेकर के जाओगे ना, इसलिए भगवान के प्रति कितना प्रेम होनी चाहिए। इसलिए मेरे जो गुरुदेव थे भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, जब वो कलकत्ता से आते थे पुरी, वहां से सुंदर सुंदर फल सुंदर सुंदर सब्जी बढ़िया मिठाई वहां से लेकर आते थे, और आकर पहले क्या करते थे, जितने सब मंदिर है जैसा तोटा गोपीनाथ के लिए भेजते थे, हरिदास ठाकुर समाधि के लिए, गंभीरा के लिए, सार्वभौम भट्टाचार्य मंदिर के लिए, और जितने आस पास में गौड़ी मठ होता था पहले उसको सुंदर करके सजा करके सब ठाकुर को मंदिर मंदिर में भेजते थे, और जो बच जाता था मंदिर में पहले तुम लोगों के लिए पहले दूसरे दूसरे, क्योंकि जिसका प्रति प्रेम होगा वो सुंदर सुंदर फूल वहां से लेकर आते थे मंदिर मंदिर में, फूल में जगन्नाथ जी के लिए फूल कहाँ से, बोले कलकत्ता से लेकर आते थे पूरी तक। हाँ उसी तरह क्यों नित्यानंद प्रभु ये शिक्षा दिया है, हैं? अगर कहीं ठाकुर के पास में गुरु जी के पास में जाओ खाली हाथ से नहीं जानी चाहिए। तब उन्होंने लेकर के आए, इतने में श्री गदाधर पंडित जी सुंदर उन्होंने रसोई बनाया और उन्होंने वहां से तोटा गोपीनाथ से सुंदर सुंदर साग सब्जी को लेकर के बड़े सुंदर उन्होंने साग सब्जी बनाए और इमली की पत्ता से उन्होंने बनाए बड़े सुंदर चाटनी बनाए और चाटनी बना करके उन्होंने ठाकुर जी को उन्होंने भोग लगाए। जब भोग लगाए
महाप्रभु सर्वंतर जब महाप्रभु सब जानते हैं महाप्रभु, इतने में ठीक दोपहर में महाप्रभु चले आए, हाँ हरि नाम करते करते महाप्रभु आए। बोले बोले गदाधर नित्यानंद प्रभु ने चावल लाए कहाँ से, बंगाल से, रसोई कौन बनाई, गदाधर साक्षात राधा रानी, खिलाया किसको, बोले कृष्ण को, गोपीनाथ जी को, क्या इसमें मेरी हिस्सा नहीं, तुम लोग को मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, मेरे को बगैर निमंत्रण के तुम इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाकर खा रहे। तो गदाधर पंडित बोले प्रभु सब तो आपके लिए ही सब है, इसलिए आपको निमंत्रण करने का जरूरत, बाहर बाहर किसी व्यक्ति को निमंत्रण देते, आप तो घर के हो। तो वहां पर उन्होंने महाप्रभु बोले ठीक है सबके सब यही प्रसाद पाएंगे। तब भक्त लोगों ने बोले प्रभु पहले आप प्रसाद पाएंगे, आपको बाद में फिर प्रसाद को हम पाएंगे। जब महाप्रभु ने वो प्रसाद को पाए, महाप्रभु प्रसाद पाने के बाद वहां पर जितने भक्त लोग थे, जैसे गुरु जी प्रसाद लेने के बाद हम लूटपाट कर देते ना प्रसाद को, ऐसे ही महाप्रभु प्रसाद पाने के बाद फिर सारे भक्तों ने मिल करके महाप्रभु का प्रसाद को लूटपाट करके सबके सब वहां पर भोजन किया है। इसलिए श्री गदाधर जो पंडित है, हैं गदाधर पंडित महाप्रभु जब चले गए उन्होंने ज्यादा दिन और रुके नहीं, ठीक महाप्रभु जब चले गए और किसके लिए रुकना है, उसको बाद में जल्दी से जल्दी करीब करीब 11 महीना को अंदर में ही उन्होंने अपना अंतर ध्यान लीला को उन्होंने प्रकाश किया है और उन्हें महाप्रभु सेवा में उनकी नित्य लीला में गोलोक वृंदावन में तो राधा रानी गोलोक वृंदावन में फिर उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए महाप्रभु सेवा के लिए उन्होंने ये संसार छोड़कर चले गए। इसलिए आज श्री गदाधर पंडित ये स्वयं श्रीमती राधा रानी की आज उनकी जन्मतिथि है। महाप्रभु लीला में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जितने महाप्रभु का परिकर उनको जो उनको लीला में मदद करने वाले लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप में मदद करने वाले कौन है, बोले गदाधर पंडित, क्योंकि राधा रानी के बगैर कृष्ण कभी कोई लीला कर ही नहीं सकते, ये तो गदाधर स्वयं श्रीमती श्री राधा रानी है। इसलिए आज इनकी आविर्भाव तिथि है गदाधर पंडित जी का, ये हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, सबको ऊपर में ये कृपा वर्षण करे, जैसे महाप्रभु की चरण में इनकी मति रति है, हमारी भी रति मति श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में हो, हम भी एक दिन गुरु वैष्णव की अनुगत्य में हैं महाप्रभु की चरण की भक्ति प्राप्त करके ये जीवन को हम धन्यात धन्य बनाए। बोले श्री गदाधर पंडित की जय, बोले श्री तोटा गोपीनाथ की जय, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि। थैंक यू महाराज जी, दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर महाराज जी। आपने 6 दोष बताए वैष्णव अपराध के लिए, हंती निंदंती अभिनंती हर्ष जाति, छठवा क्या है? नहीं हो गए हंती, हंती मतलब होता है मारना, किसी वैष्णव को मार डालना। दूसरा नंबर है निंदंती, जो वैष्णव को निंदा करते हैं। तीसरा है वैद्वष्टि, वैद्वष्ट मतलब विद्वेष करना, विद्वेष करना। चौथा है वैष्णव को देख करके जो अभिनंदन नहीं करना, हाँ अभिनंदन नहीं करना। और जो पंचमा है हर्ष, देख करके प्रसन्न नहीं होना। लास्ट जाति, हाँ अंति, और वैष्णव आने पर उनको स्वागत नहीं करना। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही आपने बहुत मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन किया और हम सबको इन लीलाओं में डुबो दिया। आज ऐसे पवित्र तिथि पे गुरु वैष्णव की कृपा हो, आपकी कृपा हो कि आपने जो कथा सुनाई हमारे हृदय में उतरे और हमें कुछ कुछ अनुभव हो गदाधर पंडित की कृपा का। और गदाधर पंडित की कृपा के बिना हम लोग महाप्रभु को नहीं जान सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे कि राधा रानी की कृपा के बिना हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। इसलिए हम आज गदाधर पंडित के चरणों में वैष्णव के अनुगत्य में अपने गुरु वर्गों के अनुगत में प्रार्थना करते हैं कि वो हम पे कृपा दृष्टि रखें और हमें ये प्रेम रूपी धन में थोड़ा थोड़ा अधिकार अधिकार प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरि 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 हरे कृष्णा 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक और अनाउंसमेंट राधा रमन की राधा रमन आज हमारा एक राधा रमन प्रोग्राम था। हमने 100 प्रोग्राम पूरे कर लिया। आज हमारा 101वां प्रोग्राम था जो बहुत ही शुभ तिथि पे आया है, श्री गदाधर पंडित जी के आविर्भाव तिथि पे। और कल हमारे कार्यक्रम में हमारे सुबल सखा दास होंगे उड़ीसा से, जो हमारे गुरु जी की मधुर स्मृतियों को याद करेंगे। तो आप सभी लोग कल 8 बजे हम फिर इसी तरह से इकट्ठे होंगे गुरुदेव की मधुर स्मृतियां सुनने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत। खुराना प्रभु आवाज आ रही है? खुराना प्रभु जी महाराज जी बुला रहे हैं आपको। अनम्यूट, एक मिनट। खुराना प्रभु आप अनम्यूट करें अपने आपको। खुराना प्रभु जी, खुराना प्रभु आप ठीक ठाक प्रभु जी? हाँ जी महाराज जी, हाँ जी आप लोगों का आशीर्वाद है। आपके चेला और डॉक्टर जी कैसे हैं? ठीक है महाराज जी, चेले रहो आपके ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छे। आपका पहला चेला है? नहीं महाराज जी, बहुत अच्छे चल रहे हैं। 64 माला रोज कर रहे हैं, अध्ययन करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ठीक, आप लोगों का आशीर्वाद है, आशीर्वाद आपका बना रहे और आगे तरक्की करें महाराज। ठीक। संत महात्माओं को अपना चेहरा दिखाने से देखो महात्माओं की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। महाराज ने खुराना प्रभु को बुला लिया इसलिए मैं समझता हूँ जब महाराज जी आते हैं तो अपना चेहरा दिखा देना चाहिए, तो उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए। वैष्णव की अगर स्मरण आ जाए भक्तों को तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। आप सभी को मनीष ठीक हो अनम्यूट कर लो अपने। बच्चे सब ठीक ठाक हैं? हाँ महाराज सब बढ़िया। आप सुनाओ, आप कैसे हो? हाँ ठीक है। तुम्हारी और तुम्हारा काम धाम सब सही चल रहा है? अभी तो सब लॉकडाउन है महाराज। अब तो यही काम हो रहा है, गुरुदेव की मधुर स्मृतियां चल रही है बस। हाँ बस यही चल रहा है महाराज। आपका आशीर्वाद है। राधा रमन ठीक हो? राधा रमन वकील साहब गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ ठीक है। आप कैसे हो? आपका आशीर्वाद है। आपका जो चाहे अपने कैमरा को माइक को म्यूट कर सकते हैं, सबको एक्सेस है। आप भी ठीक हो? ठीक। और महाराज जी को साक्षात प्रणाम कर सकते सामने आकर। बंकिन बिहारी जय हो प्रभु जी की। हरे कृष्ण। ठीक ठाक जाओ? हाँ सब ठीक हो? हरे कृष्ण महाराज जी, कैसे? हाँ ठीक है। तुम लोग कैमरा ऑन करो तभी पता चलेगा महाराज जी कौन बोल रहा है। हाँ कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करे अपना। जिंदा जिंदा। सभी लोग कैमरा ऑन करके प्रणाम करे तो अच्छा रहेगा। ओ कहाँ तुम दिख नहीं रहे हो। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी की दंडवत प्रणाम। हाँ सब ठीक ठाक। कृष्ण महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। हाँ सब ठीक ठाक सब। महाराज जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। सभी लोग अपनी हाजिरी लगा ले, आप महाराज को शक्ल दिखा के महाराज जी को पता चलेगा। जी को दंडवत प्रणाम। आप दंडवत प्रणाम। कैमरा ऑन करो महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे कैमरा दंडवत प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्ण। हां दंड दंड। तो तुम्हारी ये करो, तुम्हारी कैमरा को ऑन करो। कैमरा नहीं दिखा। महाराज जी मुंबई से। बम्बई से बोल रहे हो? हाँ महाराज जी हम भी मुंबई से बोल रहे हैं। ओ बम्बई से बोल रहे हो जी महाराज। क्या क्या कर रहे हो? सारथी के कैमरा। हाँ दंडवत प्रणाम।
हाँ सब ठीक ठाक सब। हाँ जी सब ठीक। अरे तुम्हारी कैमरा को अनकर तब देखेगा। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी हाँ 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 सब ठीक ठाक सब। कैसा हो प्रभु जी? सचिन ठीक हो? धन्यवाद प्रभु जी। गौरव प्रिया राजेश गौर और राजेश प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। देखो सब वैष्णव को दर्शन करो। महाराज जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी।